हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा ये बुनाई का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इस तरह से दिखेगा हमें ये बहुत ही प्यारा सा। ये हमारी सीधी साइड है और ये रही इसकी उल्टी साइड। ऐसे दिखेगा उल्टी साइड से। जब भी आपने इस डिजाइन को बनाने के लिए फंदे लेने हैं, आपने लेने हैं 8 के हिसाब से। जैसे 8 फंदे गिन लें, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8, ऐसे ही 8-8 करते जाएं और लास्ट में आपके 7 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। आपका डिजाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। आइए बनाते हैं इस डिजाइन को। सिलाई जो आपने लेनी है ऊन के अकॉर्डिंग लेनी है। बारीक ऊन है आपकी तो आपने 10 नंबर सिलाई से बनाना है। अगर ऊन जो है मोटी है तो आपने 9 नंबर सिलाई से बनाना है। आइए बनाते हैं इस डिजाइन को। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फंदे लिए हैं, देखें 8 फंदे, फिर से 8, ऐसे ही आपने काउंट करते जाना है। लास्ट में 7 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे करके सीधी साइड से आपका डिजाइन स्टार्ट होगा। ये हमारा डिजाइन जो है 8 सिलाई में बनके कंप्लीट होगा। 8 सिलाई को आपने बार बार रिपीट करना है। पहली सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना और सभी फंदों को सीधा बना लेंगे फर्स्ट रो में। सभी फंदों को मैंने सीधा बना लिया है। अब दूसरी सिलाई उल्टी साइड। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। अब ये 3 फंदे हैं तो एक फंदे में 2 बार घुमाएंगे सिलाई में उनको, फिर 3 बार, फिर 2 बार। तो देखें ये 1, 2, इसे बुन लेंगे, फिर 3 बार घुमाएंगे, 1, 2, 3, ऐसे बुन लेंगे, फिर 2 बार, 1, 2, ऐसे एक फंदा सीधा। ऐसे ऊन को अपनी साइड करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, ये देखें पहला फंदा उतारा, इसे छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार बार यही रिपीट करेंगे। इसमें एक फंदा सीधा, 2 बार सिलाई में घुमा के बनाया, फिर 3 बार, फिर 2 बार, 3 फंदे हो गए, फिर एक सीधा फंदा, 3 उल्टे फंदे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदे को इस तरह से 2 बार बनाएंगे। ऐसे 2 बार घुमा के सिलाई में बनाएंगे। अब 3 बार घुमाएंगे, 1, 2, 3, फिर बुन लेंगे, फिर 2 बार, 1, 2, एक फंदा सीधा। ये देखें इस तरह से ऊन आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा पीछे करेंगे। देखें एज को छोड़ के आपने यही 8-8 फंदों को बार बार बना लेना है। लास्ट में हमारे 6 फंदे बचेंगे, इसमें एक सीधा बुनेंगे, फिर ये 2 बार इस तरह से लपेट के बुनेंगे, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर एक फंदा सीधा। लास्ट में एक्स्ट्रा फंदा है, इसे उल्टी साइड है तो उल्टा बना लेंगे।
दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है सीधी साइड। तीसरी सिलाई पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, ऊन अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, ये वाले जो फंदे इस तरह से घुमा के बुने हैं ये भी उल्टे ही बनाने हैं। ये दो, ये तीन, इन्हें निकालते जाएं, तीन, ये चार, ये पांच, पांच फंदे बना लिए, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। एज को छोड़ के आपने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ फंदे बनाए हैं, यही बार बार रिपीट करने हैं। फिर से रिपीट करेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। ये देखिए ऐसे ही आपने आठ आठ फंदों को बनाते जाना है, लास्ट में आपके छः फंदे बचेंगे। तो पांच उल्टे बना लेंगे, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, एक्स्ट्रा फंदा इसे सीधा बना लेंगे। तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, उल्टी साइड चौथी सिलाई। पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना और चौथी सिलाई को सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टा उल्टा बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लिए हैं। अब सीधी साइड पांचवी सिलाई पहला फंदा उतारेंगे, सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे, जैसे फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही पांचवी सिलाई को भी सीधा सीधा बना लेंगे। चार सिलाई में हाफ डिजाइन बना है, नेक्स्ट चार में पूरा डिजाइन हमारा कंप्लीट होगा आठ सिलाई में। उल्टी साइड से छठी सिलाई, यहाँ ध्यान दीजिए जो डिजाइन हमने ये बनाया है वो यहाँ बनेगा, ये सीधे फंदों के ऊपर और सीधे फंदे यहाँ बनेंगे। तो देखें कैसे बुनेंगे, ये जो सीधे फंदे हैं इन पर डिजाइन बनेगा, जैसे बीच वाले फंदे में तीन बार राउंड करके बनाना है और इस पर एक दो बार और यहाँ भी दो बार। पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदों के पर के ऊपर देखें इस तरह से दो बार बनाया धागे को लपेट के, फिर तीन बार, एक, दो, तीन, फिर दो बार, एक और ये दो, फिर एक फंदा सीधा। एज को छोड़ के यही आपने बार बार रिपीट करना है। फिर से ऊन आगे करेंगे, एक, दो, तीन। ये देखें यहाँ पर हमारे तीन फंदे उल्टे रहेंगे, यहाँ चार हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में चार होंगे, बीच में हमारे तीन तीन फंदे उल्टे होंगे, तो तभी हमारा ये आठ फंदों का डिजाइन होगा। तो आपने यहाँ पर दो फंदे छोड़ के ये तीन उल्टे, एक सीधा, ये दो बार राउंड किया, तीन बार, फिर से दो बार, एक सीधा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये दो फंदे छोड़ के आपने बार बार रिपीट करना है। फिर से यहाँ तीन फंदे उल्टे बना लिए, एक, दो, तीन, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा,
दो बार लपेट के बुना, फिर ये 3 बार, फिर 2 बार, फिर एक फंदा सीधा, तो 8 फंदे हो गए। लास्ट में हमारे 5 फंदे बचे हैं, तो इसमें 4 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे लास्ट में। तो आपने ये वाले फंदे यहाँ से लेके ये हमारे 2 फंदे छोड़ के 8 फंदे, फिर से 8 फंदे, यही बार 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 रिपीट करना है। लास्ट में आपके इस तरह से 4 फंदे उल्टे आएंगे और एक्स्ट्रा फंदा इसे भी उल्टा बनाएंगे, तो 5 फंदे थे हमारे। ये देखिए छठी सिलाई हमारी ये उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। सीधी साइड सातवीं सिलाई, पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, एक दो तीन, ये 4 फंदे हमारे सीधे, ऊन आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे करेंगे। ये देखें 2 फंदे छोड़ के ये हमारा 8 फंदों का डिजाइन, 3 फंदे सीधे इसमें और 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे छोड़ के यही बार बार रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, 3 फंदे सीधे, एक दो तीन, ऊन आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच। ऐसे ही आपने 8 8 फंदों का डिजाइन बनाते जाना है, 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे, लास्ट में आपके 5 फंदे बचेंगे, इन फंदों को सीधा बना लेंगे। 4 फंदे इसमें बुनाई के हैं और ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है, सीधी साइड है, तो इसे भी सीधा बना लेंगे। सातवीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। आठवीं सिलाई उल्टी साइड से पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए आठवीं सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यही आपका 8 सिलाई में डिजाइन जो है बार बार रिपीट होगा। चौथी सिलाई और आठवीं सिलाई उल्टी ही बनानी है, उल्टी साइड से। ये देखिए 8 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, यही आपने बार बार रिपीट करनी है। तो आपका डिजाइन इस तरह से बनकर आएगा, बहुत ही प्यारा सा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।